दोस्तों अगर आप एक विंडोज पीसी यूजर हैं, फिर तो आप विंडोज सर्च बॉक्स को यूज में लेते ही हो। डेली लाइफ में विंडोज पीसी को यूजेज के दौरान क्योंकि विंडोज में हमें देखने को मिलते हैं एक सुंदर सर्च बार, जिसे यूज में लेते हुए हम हमारे सिस्टम में से किसी भी फाइल्स, प्रोसेसेस, सर्विसेस, इवन इंस्टॉल की एप्लीकेशन को इजिली ढूंढ सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि विंडोज 10 पर हर एक अपडेट के साथ ये बहुत ही बेहतर बन चुके हैं। अब कई बार देखा जाता है कि ये जो विंडोज सर्च बार है ये प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देते हैं या फिर पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। एज ए रिजल्ट विंडोज पीसी को यूज करने का जो मजा है वो टोटली बेकार हो जाते हैं। लेकिन आप तो जानते ही है, अगर प्रॉब्लम है तो फिर इसका समाधान भी है। ओके, तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं विंडोज सर्च बार नॉट वर्किंग इशू को फिक्स करने के कुछ क्विक फिक्सेस। इसको फॉलो करने पर हो सकता है आपका जो इशू है विंडोज सर्च बार को लेकर वो फिक्स हो जाएगा। वेल, अगर आप बहुत सारी फिक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तोपसवाल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो विंडोज सर्च बार नॉट वर्किंग इशू को फिक्स करने के लिए चलिए सबसे पहले सर्च एंड इंडेक्स इन ट्रबलशूटर को रन करते हुए ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो विंडोज आइकन यानी कि स्टार्ट मेनू है, इस पर राइट क्लिक कर लेना है। देन इन सभी ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, फिर अपडेट एंड सिक्योरिटी। अब इस विंडो पे अपर लेफ्ट साइड की पैनल पे देखिए, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस है जिसमें से हमें जाना है ट्रैवल शूट ऑप्शन पे। देन इस विंडो पे राइट साइड की पैनल पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है एडिशनल ट्रैवल शूटर्स, हमें इस पे क्लिक करना है। फाइन, अब इन सभी ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है एक ऑप्शन जो कि है सर्च एंड इंडेक्सिंग, अब हमें इस पे क्लिक करना है। देन रन द ट्रैवल शूटर। उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो दिखने लगेगा कुछ इस तरह, जिसमें लिस्ट ऑफ पॉसिबल इश्यूज है जहां से आप अपने इशू या फिर इश्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि इस केस में हम विंडोज सर्च बार नॉट वर्किंग इशू को फिक्स करने जा रहे हैं, इसलिए हमें चूज करना है पहले वाला ऑप्शन को जो कि है कंस्टार्ट ए सर्च और सी रिजल्ट्स, फिर नेक्स्ट। अब विंडोज यहाँ पे खुद से प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी, अगर है तो आप वेट कर लीजिएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिस्टम पे दो प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दी गई है जो कि है ट्राई दिस रिपेयर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, हमें इस पे क्लिक करना है। फाइनली प्रोसेस कंप्लीट होने पे आप देख सकते हैं ये इश्यूज फिक्स्ड हो चुके हैं। अब आप ये सभी विंडो को क्लोज कर सकते हो। अब आप अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करके देख सकते हो। अगर इससे प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम विंडोज सर्च सर्विस सेटिंग्स को ट्विक करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में से विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लेना है और टाइप करना है services.msc एंड हिट एंटर। फिर सर्विस विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ सर्विसेस। अब इन सभी में से हमें ढूंढना है एक सर्विस को जो कि है विंडोज सर्च। ओके, अब विंडोज सर्च पर राइट क्लिक करते हुए आपको जाना है प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे। अब ये विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस स्टेटस फिलहाल रनिंग मोड पे है, हमें सबसे पहले इस सर्विस को स्टॉप करना है। तो देखिए अब ये सर्विस स्टेटस स्टॉप्ड हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टार्टअप टाइप और इसके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू, हमें इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हुए इन सभी ऑप्शंस में से ऑटोमेटिक को चूज कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हुए विंडोज सर्च सर्विस को स्टार्ट कर लेना है। तो देखिए सेटिंग्स बन चुके हैं स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक एंड सर्विस स्टेटस रनिंग। फाइनली इस चेंज को सेव करने के लिए अप्लाई एंड देन ओके। अब आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करके देख सकते हो। अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम कुछ सिस्टम प्रोसेसेस को एंड या फिर रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करेंगे।
तो इसके लिए हमें चले जाना है विंडोज टास्क बार पे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इन सभी ऑप्शंस में से टास्क मैनेजर पे क्लिक करते हुए टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे जो टैब्स है इन सभी में से प्रोसेसेस टैब को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ढूंढना है विंडोज एक्सप्लोरर को, फिर विंडोज एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करते हुए रिस्टार्ट। नेक्स्ट हमें ढूंढना है सर्च को, फिर सर्च पे राइट क्लिक करते हुए एंड टास्क, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब इन सभी टैब्स में से अब हमें ओपन करना है डिटेल्स टैब को, और यहाँ पे हमें ढूंढना है searchapp.exe को, फिर searchapp.exe पे राइट क्लिक करते हुए इन टास्क। उसके बाद हमें ढूंढना है searchindexer.exe, देन इस पे भी राइट क्लिक करते हुए इन टास्क। अब हमें ढूंढना है ctfmon.exe को, और इस पे भी राइट क्लिक करते हुए इन टास्क। अब आप विंडोज सर्च बार को एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर सर्च बार अभी भी काम नहीं कर रहा है तो आप सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो इशू था वो अभी तक फिक्स हो चुके होंगे। अगर इससे भी काम नहीं बनता है फिर आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम विंडोज सर्च को रिसेट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट की इस ऑफिशियल वेब पेज पे। वैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं वेबसाइट लिंक छोड़ दूंगा, जहाँ से आप इस वेब पेज पे डायरेक्टली लैंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड बटन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए विंडोज सर्च को रिसेट करने का जो पावरशेल स्क्रिप्ट है उसे डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो डाउनलोडेड फाइल आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें इस पर राइट क्लिक करते हुए रन विद पावरशेल पे क्लिक कर लेना है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अब आपके सिस्टम पे एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करके रखा है, नहीं तो ये स्क्रिप्ट काम नहीं करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज शो होने लगे हैं। अब ये इशू को फिक्स करने के लिए हमें टाइप करना है इस कमेंट को, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, देन पावरशेल पे आकर राइट क्लिक करते हुए कॉपी की हुई कमेंट को पेस्ट एंड हिट एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। उसके बाद हमें जो कमेंट रन करना है वो ये वाला है, तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे आके पेस्ट एंड एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। अब यहाँ पे हमें टाइप करना है वाई यानी कि यस, फाइनली एंटर टू कंफर्म इट। फाइन, अब आप इस विंडो को क्लोज कर लीजिए और अगेन स्क्रिप्ट पे राइट क्लिक करके रन विथ पावरशेल। तो यहाँ पे देखिए विंडो सर्च बॉक्स रिसेट होने लगे हैं और यहाँ पे मैसेज शो हो रही है डन, मतलब प्रोसेस सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुके हैं। अब आप अपने कीबोर्ड में से किसी भी एक की को प्रेस कर लीजिए और अब आप अपने सिस्टम को अगेन रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम विंडोज सर्च इंडेक्स को रिबिल्ड करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए अब अपने कीबोर्ड में से विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल एंड हिट एंटर। कंट्रोल पैनल विंडो ओपन होने के बाद हो सकता है आपके सिस्टम पे भी इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिले। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पे देखिए व्यू बाई और इसके पास एक ड्रॉप डाउन मेनू, आपको सिंपली इस पे क्लिक करते हुए लार्ज आइकन्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब इन सभी नए ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है इंडेक्सिंग ऑप्शंस, हमें इस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया विंडो शो होने लगेगा कुछ इस तरह। अब इस विंडो पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है एडवांस्ड ऑप्शन पे और फिर इस नया विंडो में से रिबिल्ड, फाइनली ओके। अभी यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लीजिएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं ये इंडेक्सिंग प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। ये इंडेक्सिंग प्रोसेस कंप्लीट होने पे अब अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इशू था विंडोज सर्वर को लेकर वो अभी तक फिक्स हो चुके हैं, और अगर अभी भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट इसको ट्राई में लीजिए, जिसमें हम विंडोज रिसेंट अपडेट को अनइंस्टॉल करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन अपने कीबोर्ड में से विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लेना है और टाइप करना है कंट्रोल पैनल एंड हिट एंटर। अब कंट्रोल पैनल विंडो पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, हमें इस पे क्लिक करना है। देन इस विंडो पे लेफ्ट साइड की पैनल पे जो ऑप्शंस है इन सभी में से हमें क्लिक करना है व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स पे। अब यहाँ पे जो कॉलम्स है इन सभी में से जाना है इंस्टॉल्ड ऑन पे, और इस पे क्लिक करके हम बेसिकली इसे डेट वाइज शॉर्ट कर लेंगे ताकि हम इजीली समझ पाए लास्ट अपडेट कौन सा है। यहाँ पे जो डेट है उसे देखते हुए, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे लास्ट अपडेट ये वाला है, तो मुझे सिंपली इसे सिलेक्ट करते हुए यहाँ से अनइंस्टॉल, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। और अपडेट अनइंस्टॉल करने के बाद आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि अपडेट एक्चुअल में अनइंस्टॉल हुई है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ये अपडेट सक्सेसफुली अनइंस्टॉल नहीं हुआ है, तो उस केस में इसे रिचेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपडेट सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाने के बाद आप अगेन अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। अगर अभी भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट इसको ट्राई में लीजिए, जिसमें हम बैकग्राउंड ऐप्स को इनेबल करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो विंडोज आइकन यानी कि स्टार्ट मेनू है इस पर राइट क्लिक करना है, देन इन सभी ऑप्शन में से आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, फिर इन सभी ऑप्शंस में से जाना है प्राइवेसी ऑप्शन पे। अब इस विंडो पे लेफ्ट साइड की पैनल पे आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, फिर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड एप्स, हमें इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मेक श्योर कर लीजिए लेट एप्स रन इन द बैकग्राउंड, ये ऑप्शन टर्न ऑन स्टेट पे है, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करना है, अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट इसको ट्राई में लीजिए, जिसमें हम SFC एंड DISM कमांड को रन करते हुए ट्राई करेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सिस्टम फाइल करप्ट हो जाने की वजह से भी सर्च बार नॉट वर्किंग इशू हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इसके लिए आपको अगेन अपने कीबोर्ड में से विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लेना है और टाइप करना है CMD, फिर अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कमेंट प्रॉम्प्ट को एज ए एडमिन लॉन्च करने के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कमेंट प्रॉम्प्ट एज ए एडमिन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कमेंट टाइप करना है ये वाला, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, फिर कमेंट विंडो पे आकर राइट क्लिक करते हुए कॉपी की हुई कमेंट को पेस्ट एंड हिट एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लीजिएगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट कमेंट टाइप करना है ये वाला, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, फिर कमेंट प्रॉम्प्ट पे आके राइट क्लिक करते हुए कॉपी की हुई कमेंट को पेस्ट एंड हिट एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। अगेन ये प्रोसेस कंप्लीट होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप वेट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेस भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए, अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट इसको ट्राई में लीजिए, जिसमें हम ctfmon.exe फाइल को विंडोज स्टार्टअप के टाइम ऑटो रन करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें विंडोज फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना है, फिर सिस्टम ड्राइव को ओपन कर लीजिए, जैसे कि मेरे केस में ये सी ड्राइव है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर इन सभी फोल्डर में से विंडोज फोल्डर को। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है सिस्टम 32 फोल्डर को, और सिस्टम 32 फोल्डर को भी ओपन,
उसके बाद इन सभी फोल्डर्स या फिर फाइल में से आपको ढूंढना है ctfmon.exe फाइल को, या फिर इस विंडो पे जो सर्च बार है यहाँ पे टाइप कीजिए ctfmon.exe एंड हिट एंटर। अब इस सर्च रिजल्ट पे ctfmon का जो exe फाइल है इस पर राइट क्लिक करते हुए सेंड टू एंड देन डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। ओके, तो आप देख सकते हैं ctfmon का जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप अपने कीबोर्ड में से विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए शेल क्लोन स्टार्टअप एंड हिट एंटर। ओके, अब ये विंडो ओपन होने के बाद आपको सिंपली ctfmon का जो शॉर्टकट है इसे यहाँ पे ड्रैग करते हुए छोड़ देना है, फिर इस विंडो को आप क्लोज कर सकते हो। उसके बाद आपको आ जाना है विंडोज टास्क बार पे और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए टास्क मैनेजर पे क्लिक कर लीजिए। टास्क मैनेजर विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे जो टैब्स हैं इन सभी में से आपको स्टार्टअप टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि CTF लोडर का जो स्टेटस है वो इनेबल स्टेट पे है, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है और यह से इनेबल कुछ इस तरह। इसके बाद अब अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो इशू था वो अभी तक फिक्स हो चुके हैं, और अगर अभी भी इशू फिक्स नहीं होता है तो आप लास्ट स्टेप को फॉलो कीजिए जिसमें हम एक नया लोकल यूजर अकाउंट को क्रिएट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको अगेन अपने कीबोर्ड में से विंडोज प्लस आर की को एक साथ प्रेस करते हुए रन विंडो को ओपन कर लेना है और टाइप करना है cmd। फिर अपने कीबोर्ड में से एक साथ प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर कमांड प्रॉम्प्ट को एज ए एडमिन लॉन्च करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट एज ए एडमिन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। ओके, अब सबसे पहले हमें कमांड रन करना है ये वाला, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। फिर कमांड विंडो पे आके राइट क्लिक करते हुए कॉपी की हुई कमांड को पेस्ट। अब यहाँ पे जो यूजर नेम है इसे आपको रिप्लेस कर देना है अपने पसंदीदा किसी भी नाम से, जिस भी नाम आप बेसिकली इस नए यूजर के लिए रखना चाहते हो। से एज मैं यूजर अकाउंट का नाम रखना चाहता हूँ TTEDemo, तो मुझे सिंपली इसे रिप्लेस कर देना है TTEDemo से। फिर नेक्स्ट है पासवर्ड, इसे भी आपको रिप्लेस कर देना है अपने पसंदीदा पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हो उससे। फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ 123456, तो मुझे सिंपली इसे रिप्लेस कर देना है 123456 से। फाइनली हिट एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंड। उसके बाद हमें नेक्स्ट कमेंड रन करना है ये वाला, तो मैं इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। फिर कमेंड विंडो पे आके पेस्ट। उसके बाद इस नया कमेंड पे जो यूजर अकाउंट है इसे आपको रिप्लेस कर देना है वो यूजर नेम से जिसे आप पहले वाला कमेंड पे यूज में लिया है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे TTEDemo है, तो मुझे इसे रिप्लेस कर देना है TTEDemo से। ये कमेंट को हम बेसिकली यूज में लेते हैं इस नए यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज देने के लिए, ताकि हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सिस्टम को यूज में ले सके जब भी हम इस नए यूजर अकाउंट पे लॉगिन करते हुए सिस्टम को यूज करना चाहे। ओके, अब इंटरप्रेस कर लेना है इस कमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों कमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब आप कमेंट प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे जो विंडोज आइकन यानी कि स्टार्ट मेनू है इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको जाना है यूजर अकाउंट आइकन पे और यहाँ पे क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा हमारा बनाया हुआ नया यूजर अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको सिंपली नया यूजर अकाउंट पे लॉगिन करते हुए ट्राई करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपके सिस्टम पे भी विंडोज सर्च बार परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम विंडोज सर्च बार नॉट वर्किंग इशू को फिक्स कर सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए, है ना बहुत ही आसान। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपके लिए कौन सा मेथड काम किया है ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, अगर पसंद भी आया होगा।
अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं, और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।